जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं इसी सेकंड में दो लोग कहीं ना कहीं जॉब के दौरान मर रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक सालाना 6,50,000 वर्कर जॉब के दौरान या फिर जॉब की वजह से बीमार होकर जान की बाजी हार जाते हैं। आज हम कुछ ऐसी जॉब के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाती है, इतनी खतरनाक कि वह किसी की जान भी ले सकती है, लेकिन इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $7 डेली ही मिलते हैं। ये वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में सल्फर कलेक्ट करने जाते हैं। कार बैटरीज, फर्टिलाइजर और ओनल रिफाइनिंग जैसी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने के साथ साथ वह सल्फर ही है जिससे शुगर का कलर ब्राउन से व्हाइट होता है। इन सब चीजों के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रिएंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि फसलों को अच्छी पैदावार करने के लिए सल्फर की जरूरत होती है। जितना सल्फर आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है, उतना ही इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। ईस्ट जवा इंडोनेशिया में मौजूद ये है आईजेन क्रेटर। ये एक एक्टिव वोल्केनो क्रेटर है जहाँ से कई जानलेवा गैसेस निकलती रहती हैं। ये गर्म और खतरनाक गैसेस जमीन के अंदर से निकलती है तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यह लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरता है जो ठंडा होने पर सल्फर चिप्स की शक्ल एक हथियार कर लेता है। वर्कर्स को इन गैसेस के दरमियान जाकर इन सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। एक एक वर्कर दिन में 200 किलोग्राम सल्फर को अपने कंधों पर उठाकर क्रेटर चढ़ता है और फिर मीलों दूर इसको मार्केट में जाकर सेल करता है, जहां इनको 75,000 से 1,00,000 इंडोनेशियन रुपए मिलते हैं, जो असल में सिर्फ $7 बनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर इनहेल करने की वजह से ये वर्कर्स 50 सालों से ज्यादा नहीं जी पाते। अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए ये लोग खुद मौत के करीब जाने पर मजबूर है। यही वजह है कि सल्फर, जिसको डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है, इसको एक्टिव वोल्केनो से एक्सट्रैक्ट करने की जॉब दुनिया की खतरनाक इस स्पोर्ट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वहीं यह खेल इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे खतरनाक खेल माना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 1000 राइडर्स में से 32 को गहरी चोटें पहुंचती। बुल राइडर्स को ज्यादातर छोटे टांगों, छाती और दिमाग में लगती है, जो इंसान का सबसे नाजुक पार्ट है। सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ सालाना 3 राइडर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यही वजह है कि बुल राइडिंग को भी इस दुनिया की डे वेल्डिंग के दौरान हीट फायर बोल्स और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है। लेकिन यही काम जब समंदर के अंदर किया जाए तो मुश्किलों में 10 गुना इजाफा हो जाता है। जी हाँ, अंडर वाटर वेल्डर्स की जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में शुमार होती है। इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले एम्प्लॉयज को अंडर वाटर पाइपलाइन, शिप्स, डैम्स और ऑफशोर ऑनल प्लेटफॉर्म की रिपेयर के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करनी होती है। अंडर वाटर वेल्डिंग में एक्सप्लोजन और शॉर्ट सर्किट का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है और पानी के प्रेशर से बह जाने का खतरा भी मंडरा रहा होता है। डीसीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का हादसे से मरने का रेशियो सरफेस वेल्डर से 40% ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर शिप या ऑनल रिग में वेल्डिंग का काम करना हो तो फ्यूल लीकेज की वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। लेकिन असल में यह अपने अंदर बहुत कीमती चीज छुपाए बैठी है। यह परिंदा, जिसको हम स्विफ्ट लेट कहते हैं, यह शिकारी जानवरों से बचने के लिए दूर इन चट्टानों की गारों में अंडे देता है। लेकिन दूसरे परिंदों की तरह यह लकड़ी के तिनकों से अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि यह अपनी ही थूक से घोंसला बनाता है। जी हाँ, इस हौसले की पूरी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत डिमांड है, क्योंकि इससे एक सूप बनाया जाता है जो कहा जाता है कि इंसान की सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इन चट्टानों तक पहुंचना सिर्फ बोट की मदद से पॉसिबल होता है और इन पर चढ़ना मुश्किल होने के साथ साथ बहुत रिस्की भी होता है। वर्कर्स जो इस नेस्ट को तलाश करते हैं, इनको लोकल लैंग्वेज में बुसियाडोर्स कहा जाता है, बिना किसी प्रोटेक्टिव लेयर के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर इन पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आउट हुई या फिर पैर के नीचे कोई पत्थर टूट गया तो बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्विफ्ट लेट अपने घोंसले बिल्कुल अंधेरी और ऊंची गारों में बनाते हैं। यहाँ पहुंचकर पहले तो बुसियाडोर्स इन घोंसलों को ढूंढते हैं,
फिर बड़ी एहतियात से इनको पत्थरों से अलग करते हैं। कई तो उनके हाथ लगते हैं, जबकि कई इतने ऊपर होते हैं कि वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया।